मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष फ्रे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये है हमारा टेक न्यूज का 121 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्ष फ्रे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड को। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो की तरफ से। लेनोवो ने अपने एक और नए डिवाइस लेनोवो S5 को कर दिया है लॉन्च चाइना के अंतर्गत। बेसिकली दोस्तों ये जो डिवाइस आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलता है, एक है 3GB RAM 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज, दूसरा है 3GB RAM 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज और जो तीसरा है वो है 4GB RAM 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज। जो प्राइस है वो है 10,300 रुपया, 12,400 रुपया, 15,400 रुपया। दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिलता है 5.7 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, 18:9 पिक्चर्स ये वाला। आप कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डुअल रियर कैमरा 13+13 मेगापिक्सल का और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसके माध्यम से आप बड़े ही कमाल की सेल्फी ले पाएंगे और साथ ही साथ वाइड एंगल सेल्फी भी ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 जो 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है 3000 mAh की। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको कार्ड पे एक लिंक मिल जाएगा जो इस वीडियो को इस स्मार्टफोन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है उसका वो लिंक है, तो आप वहां से जाके इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है गूगल की तरफ से। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल अपने ड्यूडल को हमेशा चेंज करता है दिन के हिसाब से। बेसिकली एग्जांपल के तौर पर सपोज डेट मान लीजिए अगर 14 नवंबर है तो आज अगर कोई जयंती है तो उसी के हिसाब से वो चेंज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज का जो ड्यूडल है गूगल का वो है बिस्मिल्ला खान का। जी हाँ दोस्तों बिस्मिल्ला खान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो सहनाई बजाते हुए गूगल के ड्यूडल में दिख रहे हैं। बेसिकली आज 102 जयंती है, मतलब कि आज हो चुका है 102 साल, मतलब 102वां जयंती है आज। तो बेसिकली इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो गूगल डूडल है वो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है ताइवानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HTC की तरफ से। दोस्तों HTC ने अपने दो नए डिवाइस HTC Desire 12 और HTC Desire 12 Plus को कर दिया है लॉन्च। दोस्तों HTC Desire 12 का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 14,800 रुपया और जो HTC Desire 12 Plus है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 18,900 रुपया। दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो HTC Desire में आपको देखने को मिलता है 5.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले 18:9 पिक्सल के साथ। सबसे घटिया बात ये है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मीडिया टेक का 6739 प्रोसेसर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 13 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2730 mAh की बैटरी। दोस्तों HTC Desire 12 Plus के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डुअल रियर कैमरा 13+2 MP का, 2 MP का जो सेकेंडरी कैमरा है वो नाम के लिए ही है, 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 450। तो बेसिकली दोस्तों मेरे हिसाब से घटिया डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों HTC सुधरा नहीं है अभी तक। आपको दोस्तों HTC का Desire 12 Plus है उसका प्राइस देखने को मिलता है 18,900 रुपया और 18,900 रुपया के प्राइस में आपको देखने को मिलता है एक HD प्लस डिस्प्ले, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है Qualcomm का Snapdragon 450 और आपको जो यहाँ पे HTC Desire 12 है वहां पे आपको देखने को मिलता है MediaTek का 6739 14,800 रुपया के प्राइस में। इंडिया में चले आइएगा तो उससे कम ही प्राइस में आपको बहुत कमाल कमाल के डिवाइस देखने को मिलेंगे, चाहे वो Redmi Note 5 Pro हो या फिर Honor 7XO, जो इनसे बहुत ही बेटर स्पेसिफिकेशन उपलब्ध है उन डिवाइसेज में। तो मिला जुला के मेरे हिसाब से कचरा डिवाइस है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Xiaomi ने हाल में ही अपने नए डिवाइस Redmi Note 5 Pro को लॉन्च किया था जिसका पहला सेल आपको पहले ही देखने को मिला था, लेकिन आज इसका सेल था। वैसे कि इसका फ्लैश सेल चलता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो आज भी ये डिवाइस सेकेंड के अंदर ही सोल्ड हो गया, मतलब मिनट भी नहीं लगता इसे सोल्ड आउट होने में, सेकेंडों में ही सोल्ड आउट हो जाता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो की तरफ से। दोस्तों लेनोवो ने अपने दो नए डिवाइस को किया है लॉन्च जो है लेनोवो K5 और लेनोवो K5 Play। दोस्तों इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको लेनोवो K5 में देखने को मिल जाता है 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 13 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 3000 mAh की बैटरी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो है 9,300 रुपया।
है। K5 Play के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5.7 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 2 GB की रैम, 16 GB की इनबिल्ट स्टोरेज। जो प्राइस इस डिवाइस का वो है 7,200 रुपया। तो मिला जुला के एक ठीक ठाक सा डिवाइस है, ये डिवाइस 10 अप्रैल से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआवे की तरफ से। दोस्तों हुआवे ने अपने एक और नए डिवाइस हुआवे नोवा 3E को कर दिया लॉन्च। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो है 20,600 रुपया। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिलता है 5.84 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, साथ ही साथ यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की तो आपको देखने को मिलता है हाई सिलिकन किरिन 659 जो इन्हीं का बनाया हुआ प्रोसेसर। दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाता है हाइलाइटिंग फीचर, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। मिला जुला के आपको एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनी जियो की तरफ से। दोस्तों जियो ने अपने एक और नए जियो 5 हॉटस्पॉट को कर दिया है लॉन्च, ये है जियो 5 4G हॉटस्पॉट। दोस्तों इसका प्राइस है 999 रुपए, एक्सक्लूसिव आपको फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलेगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा इसे ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पे। यहां पे जो आपको स्पीड देखने को मिल जाता है डाउनलोड की वो है करीब करीब 150 Mbps और साथ ही साथ 50 Mbps तक का ही हाईएस्ट स्पीड सपोर्ट कर सकता है अपलोडिंग में। दोस्तों आज की अंतिम खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो का आने वाला न्यू अपकमिंग सेल्फी सेंटर का स्मार्टफोन वीवो V9 को Amazon पर लिस्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली वहां पे पता चलता है, वहां पे जो लिस्ट किया गया उसके अनुसार कि आपको 23 मार्च को ये डिवाइस लॉन्च होगा, लेकिन लिस्ट किया गया है तो वहां पे स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, जहां पे मैंने बात किया था स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। लेकिन जो भी स्पेसिफिकेशन है लीक्स और रूमर्स पर आधारित है, तो ऐसे में 23 मार्च आने में ज्यादा दिन नहीं है, 23 मार्च को ही देखेंगे कि वीवो क्या कमाल करता है अपने नए डिवाइस वीवो V9 के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी बात पर प्रसारित होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।